स्वागत आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और बहुत ही मजेदार वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सभी क्लास टेंथ विद्यार्थियों का साइंस का जो बहुत ही अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा था, फाइनली उसी को और आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिजिक्स का, क्या फिजिक्स है, इससे पहले वाले हमने सीरीज जो कंप्लीट किया वो पूरा का पूरा केमिस्ट्री का, ठीक है ना। प्रत्येक चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला था, टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव मैंने वन लाइनर करा दिया। इसमें भी आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का प्रत्येक लेसन, क्योंकि इस वीडियो में एक ही लेसन समाप्त हो पाएंगे, एक लेसन से जितना ऑब्जेक्टिव बन जाएगा वही लेसन समाप्त हो जाएंगे। फिर अगले दिन मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, फिर अगले दिन विद्युत, फिर उसके अगले दिन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है ना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आप सभी के बीच शेयर करने वाला। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं फिजिक्स का पहला लेसन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप सभी के बीच। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला प्रश्न है प्रकाश क्या है। मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है, बट उसमें से आपको क्या चुनना होगा, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जिस तरीके से भोजन हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का कार्य करता है, उसी तरीके से हमारे आँखों की संवेदना उत्पन्न करने के लिए, यानी हमारे आँखों को हर तरीके से पोषक प्रदान करता है, एक तरीके से ऊर्जा के रूप में प्रकाश जो है ना काम करता है। मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को दृश्यमान कौन बनाता है, प्रकाश बनाता है। इसलिए जब अगर वो हमारे आँखों के लिए पोषक प्रदान कर सकता है और किसी वस्तु को दृश्यमान बना सकता है, तो वो ऊर्जा की तरह ही कार्य करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब बात करते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं, तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, ठीक है ना। यानी कि दुनिया का कोई भी वस्तु उठा लीजिए जिससे प्रकाश निकल रहा हो वो प्रदीप्त वस्तुएं हो गई, और जिससे प्रकाश नहीं निकलती हो वो अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई, ठीक है ना। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रकाश गमन करती है, तो भाई ये कभी भी सीधी रेखा में, ये तो वायु है नहीं कि किसी भी टेढ़ा टेढ़े रास्ते से निकल जाएगा। प्रकाश हमेशा जो है ना सीधी रेखा में ही गमन करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऑब्जेक्टिव में न्यूनतम और अधिकतम पूछता है, तो कभी भी अगर आपका मानिए कि अगर चार को ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें से कांच का रहता है, कांच का ऑप्शन, तो कांच में क्या होता है, न्यूनतम होता है, और सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में होता है, ठीक है ना। मतलब निर्वात की अपेक्षा कोई भी ऑप्शन आ जाए, बट सबसे अधिक प्रकाश का वेग हमेशा निर्वात में ही होता है, सबसे अधिक। यहाँ पर अगला प्रश्न डाल भी दिए कि प्रकाश वेग सबसे अधिक होता है तो निर्वात में, ठीक है ना। और सबसे कम कोई ज़रूरी नहीं है कि कांच में, अगर मान के चले कि अगर कोई और भी चीज़ दे दे, जैसे मान के चले कि परभाषी कोई और भी मटेरियल दे दे, ठीक है ना। हालांकि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी। तो मान के चले कि परभाषी में कोई और मटेरियल दे दे, कांच छोड़ करके कोई और भी मान के चले कि दे दे, तो आप क्या करोगे, उसी में से किसी को चुनोगे, देखोगे कि जिसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम हो, है ना। तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि वाहनों के साइड में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा रहता है। मान करके चलिए कोई वाहन जो है ना, अगर है कोई भी वाहन है, कोई भी मान के चलिए मोटरसाइकिल हो या फोर व्हीलर हो या फिर मान के चलिए बस हो चाहे ट्रक हो, कोई भी वाहन हो, ठीक है ना। अगर चालक जो है ना, चालक के साइड में जो शीशा लगा रहता है वो पीछे देखने वाले व्यक्तियों के लिए रखा जाता है, या फिर ये भी देखा जाता है कि मैंने पीछे से कौन आगे क्रॉस कर रहा है। तो मान करके चलिए कि जो साइड में ग्लास लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो आपको बताना होगा उत्तल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि उसका माने फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, मतलब उसको देखने की उसमें माने बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारे वस्तुओं का प्रतिबिंब एक बार में बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए वाहनों के साइड मिरर में, ठीक है ना, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाहनों के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। सामने, अब सामने कौन सा, ऐसा नहीं है कि वो लेंस की बात कर रहे हैं, नहीं, आगे जो वस्तु को दृश्यमान बनाता है, यहाँ पर लिखे भी हैं, जो वस्तु को क्या करता है, दृश्यमान बनाता है। तो यानी कि क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है कि वाहनों के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि उत्तल दर्पण लगा देते, बट ऐसा नहीं है। वाहनों के हेडलाइट में हो चाहे वाहनों के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो हमेशा आप अवतल दर्पण के साथ सही उत्तर करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो भाई अवतल दर्पण। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में कभी भी हेडलाइट की बात आती है ना, या फिर मान के चले कि अग्र
देखने के लिए अग्रदीप के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाए, अग्रदीप भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहाँ अवतल दर्पण के साथ ही सही उत्तर जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे सॉरी इसके लिए 9 नंबर, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज, ठीक है ना, तो ये 3 प्रकार के, अब कौन कौन, तो अपसारी, समांतर और अभिसारी। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि अपसारी लेंस को क्या कहते हैं, तो भाई अपसारी को अवतल लेंस कहते हैं, या फिर पूछ देगा अवतल लेंस को और किस लेंस के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे अपसारी। अच्छा देखिएगा कैसे, मैंने ट्रिक क्या है, लॉजिक क्या है याद करने का, मान के चलिए कि अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, तो याद करने का ट्रिक क्या है, तो देखिएगा अप अप से अपसारी हो जा रहा है, अब उसके बाद से क्या हो रहा है अवतल, अवतल, तो अप और औ सेम टू सेम लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है, तो अप हो या चाहे औ हो, मतलब अप औ एक दूसरे से मतलब पूरक वर्ड लग रहे हैं, तो इसलिए अपसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहते हैं, इसे याद आप रखिएगा। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके क्या कहलाता है, तो भाई पारदर्शी कहलाता है, वैसे तो जिससे प्रकाश बिल्कुल नहीं जाएगा वो अपारदर्शी होगा, और जिससे प्रकाश का कुछ भाग जाए और कुछ भाग वापस आ जाए उसे प्रभासी कहते हैं। लेंस का ऐसा ही मात्र क्या होता है, तो भाई डाइऑप्टर होता है। ठीक है, अगला देखिएगा अगला 14 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ठीक है ना, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, तो उत्तल लेंस का हमेशा क्षमता क्या होती है, माने उसका हमेशा मान धनात्मक होता है और इसका ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है 17 नंबर, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, प्रकाश की किरणों का क्या होता है, अभिलंब के निकट आ जाती है। अब देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, थोड़ा सा देखेंगे, जब भी प्रकाश मान के चलिए कि किसी माध्यम से प्रवेश करती है, तो अगर देखिए 2 माध्यम डिपेंड करता है, पहला हो गया सघन माध्यम और दूसरा हो गया विरल माध्यम। अच्छा सघन माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम वो होता है जिसमें भीड़ ज़्यादा होती है, और विरल मतलब जो वीरान हो, मतलब उसमें भीड़ हो ही नहीं। सपोज मान के चलिए कि जब आप रोड पर चलते हैं, तो रोड पर जब साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो जब खाली रास्ता आप देखते हैं तो बहुत तेज चलाते हैं, ठीक है ना, तो तेज भागते हैं, लेकिन जब घनी आबादी आती है तो वहाँ पर आप साइकिल का ब्रेक लगाते हो या मोटरसाइकिल का ब्रेक लगाते हो, मतलब जिस सवारी से आप सवार होकर जाते हो तो उसका ब्रेक लगाते हो और वहाँ पर धीमी गति से पार करते हो। इन दृश्य में प्रकाश के किरणों के साथ भी वही हाल होता है कि जब निर्वात, निर्वात बोले तो विरल हो गया, और वायु में प्रवेश किया तो निर्वात की अपेक्षा वायु क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो जब भी मतलब विरल से सघन में प्रवेश करता है, मान के चलिए इधर से हम लेकर आ रहे हैं, विरल से सघन में आता है, तो विरल से सघन में जैसे आएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब के निकट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्पीड कम हो गया। लेकिन जब भी सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, ये जो अभिलंब होगा ये अभिलंब ये इससे दूर भागेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो भाई 20 सेमी होगी, बहुत आसान है। मान के चलिए कि अवतल दर्पण है, ठीक है ना, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये ध्रुव, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ध्रुव, अगर इसका पूरा का पूरा माने अगर आर निकाला जाए तो क्या हो गया, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और मान के चलिए कि अगर ये ध्रुव और वक्र, मान के चलिए कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के जो माने मान के चलिए कि जो पॉइंट होता है, जो बिंदु होती है ना, वो होता है मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है और जो ध्रुव है, अगर ये दोनों की लंबाई देखा जाए तो ध्रुव और वक्रता केंद्र की आधी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कह रहे हैं कि नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेमी है, तो 10 को मान के चलिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 और जोड़ लीजिए तो पूरा का पूरा वक्रता त्रिज्या आर निकाल लीजिए, चाहे मान के चलिए उसी को डब्ल्यू आ दीजिए, तो 20 सेमी आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो भाई होता है उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। ठीक है ना, किस दर्पण में, एक मिनट सॉरी फॉर इट,
हाँ देखिए, किस दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो भाई उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या करेगा, अवतल या उत्तल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, भाई अवतल हो चाहे उत्तल हो, इट डजंट मैटर टू डैट, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पर ही बनता है, ठीक है ना। मान के चलिए अवतल हो चाहे उत्तल हो, जब भी आने वाली मैंने अनंत से प्रकाश की किरणें होंगी, वो जब लौटेगी ना दर्पण से परावर्तन के बाद, तो हमेशा ये मुख्य फोकस पर ही प्रतिबिंब बनाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो एक डायोप्टर का मतलब क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो 100 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो भाई इसका भी 2 होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, आपतित किरण, ठीक है ना, अपन अपवर्तित किरण, यानी साइन आई बाई साइन आर, ठीक है ना, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है, भाई स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से अगला जो प्रश्न है वो लेंस का सूत्र है, पूछ देता है कभी कभी लेंस का सूत्र क्या है निम्नलिखित में से, तो 1/v + 1/u = 1/f दिया रहता है, 1/v - 1/u = 1/f, तो आप माइनस वाला चुन लेगा 1/v - 1/u = 1/f, ये हो गया लेंस का सूत्र। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो भाई अवतल दर्पण का किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक होता है, काल्पनिक या आभासी दोनों में कोई एक कह सकते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है, भाई तो प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ देता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दंत मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का किया जाता है, ठीक है ना। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो भाई विचलन कोण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपके बीच शेयर करने की कोशिश किया आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है आप इसको हल्के में ना ले, क्यों, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मैंने ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है सभी के सभी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद से वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव आप सभी के बीच लाइव के थ्रू कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।